दोस्तों आ रहे हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन तो दोस्तों आ रहे हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमें अब ये जो ऐप है अपना वाइट स्टूडियो वो अपने मोबाइल में होना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके लॉगिन कर लिया है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप वाइट स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में, जैसे कि अभी मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ, तो सिंपली इसे ओपन होने देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटरफेस हमें मिलता है। तो सर्च बार में सिंपली हमको टाइप करना है टैट्स फॉर यूट्यूब, जैसा कि अब मैं टाइप कर रहा हूँ, और सिंपली सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद कुछ ऐसी वेबसाइट हमें मिलेंगी, तो सबसे पहले जो वेबसाइट है उस पर क्लिक कर देना है। keywordtool.io इस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देने बाद सिंपली वो थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि ये क्लाउड फ्लेयर वेबसाइट है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सर्च ऑप्शन आता है, यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप यहाँ से बिंग, अमेजोन, ईबे, प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी के भी टैग ले सकते हैं। सिंपली मैं अभी यूट्यूब के ही टैग लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक टैग सर्च, जो भी अपना वीडियो का टाइटल है वो यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मेरी वीडियो का टाइटल है हाउ टू प्ले फ्री फायर, ऐसे ही मैंने सर्च किया। तो सर्च कर देने के बाद सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लाउड फ्लेयर वेबसाइट है, तो मैंने ऑलरेडी कहा था ये देख सकते हैं। इसको डिटेल्स प्रोटेक्शन बाय क्लाउड फ्लेयर से मिला है, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा। टाइम लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सभी कीवर्ड आ चुके हैं। ये सर्च रैंक में बहुत रैंक करते हैं, ये देख सकते हैं सभी। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे टैग हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ से सिंपली जो भी आपको मतलब फर्स्ट रैंक किया है उसको सिर्फ ऐसे कॉपी करना है, ऐसे कॉपी करना है। तो जैसे जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, सभी सभी नहीं करता, मतलब इतना नहीं जितना मतलब आपको ज़रूरत है उतने ही टैग मतलब यूज़ करें। तो मैं इतने टैग सिलेक्ट कर, यहाँ पे कॉपी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो देख सकते हैं कॉपी ऑप्शन, यहाँ पे कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये कॉपी हो चुकी है और सिंपली हमें जाना है अपने वाइट स्टूडियो में। जैसा कि आपको बताया था मैंने, इसलिए डाउनलोड करने के लिए बोला था कि आप वाइट स्टूडियो डाउनलोड करें। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैं अपना दूसरा चैनल लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मेरा दूसरा चैनल है, तो इसमें ये फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम की थी मैंने, तो ये फ्री फायर लाइव स्ट्रीम है। तो मैं इसे अभी एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टैग ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे कर देना है पेस्ट। तो देख सकते हैं सभी टैग लग चुके हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से आप अपने वीडियोस में टैग लगा सकते हैं और रैंक करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अपने।